हेलो गाइज, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हाय गाइज, गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 कंपनी के बारे में, जो कंपनी आप लोगों को इजी वे में इजीली इंस्टेंट के इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर पर तो ऐसे बहुत सारा ऐप है जो ऐप ये दावा करते हैं कि भाई हम आपको पर्सनल लोन दे देंगे। कुछ ऐसा ऐप है जो कि काफ़ी अच्छा है, कुछ ऐसा ऐप है जो कि काफ़ी घटिया भी होते हैं। लेकिन हर एक ऐप खराब नहीं होते हैं, हर एक ऐप घटिया नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ऐप है जो कि अपने कस्टमर के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी ऐप है जो कि आप लोगों को अपना दुख के दिन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन वो टॉपिक को आज के इस वीडियो पर हम लोग कवर नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो पर हम लोग कवर करेंगे 5 ऐसा कंपनी के बारे में जो कि आप लोगों को इंस्टेंट के इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। यानी अभी आपने लोन के लिए अप्लाई की है, 2 से 3 घंटे के अंदर आप लोगों को लोन मिल जाएगा। अगर उन लोगों के पास कस्टमर का जो लाइन है, मतलब लोन का रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं रहा, तो मतलब इंस्टेंट के इंस्टेंट आप लोगों को लोन मिल जाएगा। तो क्या क्या है वो 5 कंपनी जो कि आप लोगों को इंस्टेंट के इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आप लोगों को लोन कहाँ से मिलेगा, और भी बहुत सारा जानकारी आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि आप लोगों को किस प्रकार से लोन मिलेगा या फिर कौन सा 5 बेस्ट कंपनी है जो कि आप लोगों को इंस्टेंट के इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी नॉमिनल सा कुछ डॉक्यूमेंट और नॉमिनल मतलब बहुत ही कम सैलरी या फिर बहुत ही कम इनकम प्रूफ पर, तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तो राज और आप लोग देख रहे हैं माय मॉनिटर। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। सो दोस्तों, इस वीडियो का क्रेडिट जाता है रेडमी बिजनेस मॉल ऐप को, लेकिन ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है क्योंकि उनका जो ग्राफिक सिस्टम है मैं बस उसको यूज़ किया हूँ। तो हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं पहला नंबर कंपनी की ओर। दोस्तों ये जो पहला है कंपनी है उसका नाम है मनीटैप, और ये आप लोगों को 11,000 से लेके 5,00,000 तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी इंस्टेंट के इंस्टेंट। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से शुरू होता है और 38% तक मैक्सिमम जा सकता है। और इसका जो लोन चुकाने का टेन्योर है 2 महीने से लेके 2 साल तक, यहाँ पे 3 साल तक का भी मैक्सिमम टाइमिंग दिया जा सकता है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तब भी ये कंपनी आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज या फिर प्रोफेशनल लोगों को ये कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं करते। और ये लोन का जो टाइपिंग रहेगा क्रेडिट लाइन बेसिस पर। अगर हम लोग बात करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका एज जो कि मिनिमम 23 ईयर होना चाहिए और आपको इंडियन परसेंट ही होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो सैलरी मिनिमम पर मंथ के हिसाब से 25,000 होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड को अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है। साथ साथ अगर आपके पास कुछ करंट एड्रेस प्रूफ है, बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि उसका परमानेंट एड्रेस अलग है, उसका जो करंट एड्रेस है वो अलग है, तो उस स्थिति पर दोनों प्रकार का एड्रेस को ही यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है। साथ में आपने जो कमाई करते हो, आपका जो सैलरी है उसका भी प्रूफ के तौर पर पिछले 3 महीने का बैंकिंग स्टेटमेंट और पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप मांगा जा सकता है। और इसका जो फीस एंड चार्जेस है, प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 2% प्लस GST ले जाता है। और अगर आपने कभी पेमेंट करने में डिले करते हैं तो उसका कुछ पेनल्टी है, मैक्सिमम इसका 15% तक पेनल्टी ला सकता है। और मिनिमम जो कि 350 रुपीज़ का पेनल्टी आप लोगों को डेफिनेटली लगेगा अगर आप लोग सही टाइम पर इसका भुगतान नहीं किए हो या फिर सही टाइम पर अगर आपने पेमेंट EMI नहीं करते हो तो। और ये लोन अप्रूव होने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का टाइम लग सकता है, मतलब इंस्टेंट के इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं दूसरे कंपनी को। हमारा दूसरे नंबर पर जो कंपनी है इसका नाम है कुवेरा, और ये जो कंपनी है आप लोगों को 1,00,000 से लेके 15,00,000 तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसका इंटरेस्ट रेट जो कि है 11.99% से शुरू होता है और 32.99% तक मैक्सिमम जा सकता है। और ये लोन का जो टेन्योर होगा, यानी लोन चुकाने का जो मैक्सिमम टाइम, 1 साल से लेके 5 साल तक दिया जाता है। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब मिनिमम 1 साल का टाइम तो आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा, लेकिन इसका लोन का अमाउंट जो कि काफ़ी हाई है। और ये सैलरीड पर्सन को ही लोन देते हैं, और इसका जो लोन टाइप ही है टर्म लोन, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए लोन मिलेगा। अगर हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आप लोगों को पर मंथ सबसे मिनिमम 20,000 का सैलरी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। साथ साथ आपका एज 23 साल से लेके
57 साल के अंदर होना चाहिए, आपको इंडियन पर्सन ही होना चाहिए। और ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपका जो सैलरी है वो डेफिनेटली बैंक पर ही क्रेडिट होना चाहिए। अगर आपका सैलरी कैश या फिर चेक पर पेमेंट होता है तो उस स्थिति में ये लोन आप लोगों को नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरिफिकेशन होता है, साथ साथ करंट एड्रेस प्रूफ या फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस प्रूफ है वो भी वेरिफिकेशन होता है। और पिछले 3 महीने का बैंकिंग स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा एज ए इनकम प्रूफ पर। और साथ में इसका जो फीस एंड चार्जेस है, प्रोसेसिंग फीस के दौरान 2-4% प्लस GST चार्जेस किया जाता है। और अगर आप लोग पेमेंट करने में डिले करते हो या फिर मान के चलिए आपने सही टाइम पर EMI नहीं पेमेंट करते हो तो बैंक का जो नॉर्मल सा चार्जेस होता है सेम उसी प्रकार से पेनल्टी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और ये लोन अप्रूव होने के लिए 2-4 घंटे का मैक्सिमम टाइमिंग लग सकता है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर कंपनी को। दोस्तों हमारा थर्ड पर जो कंपनी है उसका नाम है मनीव्यू। ये भी आप लोगों को 10,000 से लेकर 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी पर्सनल बेसिस पर। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% से शुरू होता है और 36% तक मैक्सिमम जा सकता है। और लोन चुकाने का जो टाइमिंग आप लोगों को मिनिमम 3 महीने का मिलता है और मैक्सिमम 3 साल का मिलता है। और ये पर्सनल लोन ही प्रोवाइड करते हैं, जिन लोगों को सैलरी मिलता है वो लोगों को ही ये कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरिफिकेशन किया जाता है, साथ में अगर आपके पास कुछ आदर्श डॉक्यूमेंट है एज ए एड्रेस प्रूफ या फिर एज ए करंट एड्रेस प्रूफ के ऊपर तो वो भी वेरिफिकेशन किया जाता है। और इनकम के तौर पर आप लोगों को बैंक का स्टेटमेंट यानी सैलरी का जो स्लिप होता है या फिर आपका सैलरी जिस बैंक पर क्रेडिट हो रहा है वो बैंक का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करेंगे फीस एंड चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के दौरान 2-6% चार्जेस लिया जाता है। और अगर मान के चलिए आपने पेमेंट करने में डिले करते हैं तो पार डे के हिसाब से 10 रुपीज़ चार्जेस किया जाता है और ये चार्जेस मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक हो सकता है। और ये लोन का प्रोसेसिंग का जो टाइमिंग है मैक्सिमम 2 आवर्स यानी 2 घंटे के अंदर आप लोगों को इस कंपनी से लोन मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर कंपनी को और इसका नाम है फोकेट। और ये जो कंपनी है आप लोगों को 5,000 से लेके 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी पर्सनल प्रोफाइल पर। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% से शुरू होता है और 2.5% तक जा सकता है। लोन चुकाने का जो टेन्योर है मिनिमम 15 दिन का और मैक्सिमम 1 साल का मिलता है। और ये सैलरी पर्सन को ही पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों का एज जो कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए और आपका जो सैलरी है पर मंथ हिसाब से मिनिमम 25,000 होना चाहिए, साथ में आपको इंडियन पर्सन होना चाहिए। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड को अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है, साथ में अगर आपके पास कुछ आदर्श डॉक्यूमेंट है एज ए करंट एड्रेस प्रूफ पर तो भी वेरिफिकेशन किया जाता है। और इनकम के लिए पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट या फिर पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा। और साथ में इसका फीस के बारे में बात करें तो 1.5% प्लस GST इसका प्रोसेसिंग फीस है। और अगर आपने इसका पेमेंट लेट करते हो या फिर पेमेंट करने में कभी डिले करते हो तो बैंकिंग का जो पॉलिसी है उसके ऊपर से चार्जेस किया जाता है, लेकिन लेट पेमेंट का कुछ भी चार्जेस यहाँ पर रखा नहीं गया है। और ये लोन आप लोगों को इंस्टेंट के इंस्टेंट यानी 30 मिनट के अंदर मिल जाएगा। चलो दोस्तों अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारा लास्ट और 5 नंबर कंपनी का और इसका जो नाम है अपवर्ड। ये जो कंपनी आप लोगों को 20,000 से लेके 2 लाख तक का इंस्टेंट एंड पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा 18% से शुरू होता है और 36% तक मैक्सिमम जा सकता है। और इसका जो लोन चुकाने का टाइमिंग है मिनिमम 180 दिन यानी 6 महीने का और मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे किसको किसको ये लोन मिलेगा तो आपको सैलरीड पर्सन होना चाहिए और ये पर्सनल बेसिस पर लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है आपका एज मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए, साथ में इंडियन रेसिडेंस जरूरी होना चाहिए। और आपका जो मिनिमम सैलरी है पर मंथ के हिसाब से 17,000 प्रूफ के दौरान दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के दौरान आप लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये जो कि है काफ़ी डीपली वेरिफिकेशन किया जाता है। और इनकम के दौरान पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट और पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो 2% प्लस GST आप लोगों को एज ए प्रोसेसिंग फीस पर देना पड़ेगा। अगर आपने कभी पेमेंट करने में डिले करते हो तो 2% का फाइन आप लोगों को देना पड़ेगा। और ये लोन जो कि है आप लोगों को मिलने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर ये लोन आप लोगों को मिल जाता है। दोस्तों जितना भी मैं लोन कंपनी के बारे में बात किया हूँ हर एक कंपनी सैलरीड पर्सन को ही लोन देता है और मिनिमम सैलरी यहाँ पर 15,000 होना चाहिए, तो ये बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आपका एज जो कि है मिनिमम 18 साल होना चाहिए। अभी मैं आप सबको बता दूँ ये लोन आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर मैंने जो कि एक नंबर दे के रखा हूँ, अगर आप लोग इंस्टेंट के इंस्टेंट लोन प्राप्त करना चाहते हो तो उस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप या फिर कॉल करना पड़ेगा। और कुछ
बात करना पड़ेगा, बस बात करते ही हम लोग यहाँ से लीड सबमिट कर देंगे। और जो इसका टाइमिंग है, किसी का आधा घंटा है, किसी का दो घंटा, किसी का दो दिन, उस टाइम के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको पर्सनल लोन का ज़रूरत है तो आप लोगों को लोन कहाँ से मिलेगा और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, कितना से कितना लोन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी मिल गया है। फिर भी दोस्तों कुछ डाउट है, फिर कुछ जानकारी आप लोगों के अंदर अधूरा रह जाता है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो को जो मन करिए जरूर बताएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मन के चलिए आपके पास इनकम का कुछ भी सोर्स नहीं है लेकिन आपका एज जो कि है 21 साल से ज़्यादा है, तब भी आप लोगों को लोन मिल सकता है, क्योंकि प्ले स्टोर पर एक ऐसा ऐप है जिसका नाम है ब्रांच। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा हूँ, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा आ जाएंगे प्ले स्टोर पर। ये जो ऐप आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, ये जो ऐप है आप लोगों को विदाउट इनकम प्रूफ वाले लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डीपली वीडियो बना चुके हैं, एक नहीं हम लोग दो दो वीडियो बनाए हैं, उस दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। सो वॉच फिलहाल हम इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलेंगे इस पर नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइज बाय बाय।